बिग बॉस के घर में नॉमिनेट हुए सिद्धार्थ डे, पारस छाबड़ा, अबू मलिक और असीम रियाज खुद को बचाने के लिए जमकर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इन चारों लड़कों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर रहना है और जो जोड़ी सबसे पहले हाथ छोड़ देगी वो टीम ये खेल से बाहर हो जाएगी और घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होगी। सिद्धार्थ शुक्ला आरती सिंह की साइड लेते हैं और इसके बाद शेफाली और माहिरा शर्मा सिद्धार्थ शुक्ला से बहस करने लगती हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस चारों ओर की दमदार परफॉर्मेंस को देखते हुए टास्क को खत्म कर देते हैं और इन चारों का नॉमिनेशन बरकरार रखते हैं और दर्शकों के हाथ में इन चारों के भाग्य का फैसला छोड़ देते हैं। रश्मि देसाई और पारस छाबड़ा सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कई तरह की बातें करते हैं। आरती सिंह पर कमेंट करने को लेकर सिद्धार्थ डे को सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि वो उनका मुंह तोड़ देंगे। इसके अलावा रश्मि देसाई आरती सिंह से कहती हैं कि वो उनके दिमाग में चीजें न डालें। असीम रियाज अबू मलिक से कहते हैं कि अगर वो बेहोश भी हो जाए तो भी उनका हाथ नहीं छोड़े। बिग बॉस टास्क कर रहे चारों लड़कों से जोश में होश नहीं खो देने की बात कहते हैं और असीम रियाज रोने लगते हैं। सिद्धार्थ डे ने पारस छाबड़ा का हाथ पकड़ा होता है तो वही असीम रियाज ने अबू मलिक का हाथ पकड़ा होता है। पारस छाबड़ा के कारण आरती सिंह को टास्क के दौरान चोट लग जाती है। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला जेल में ही रात बिताते हैं। दोपहर 12:30 बजे दोनों को जेल से बाहर निकाला जाता है। बिग बॉस द्वारा जारी किए टीजर में शिफाली बग्गा और पारस छाबड़ा को अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। इसमें पारस शिफाली को रिलेशनशिप से जुड़ी बातें समझाते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, ये हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।